अस्सलाम वालेकुम, मिल्लत टाइम में आपका स्वागत है। मैं सरदार अहमद। आज हम संभल की सरजमीन पर पहुंचे हुए हैं, जहां उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से बर्बरता की गई। जब 20 दिसंबर के दिन एक आंदोलन शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट जारी था, तो पुलिस की तरफ से लाठियां बरसाई गई, गोलियां चलाई गई, जिसमें से दो नौजवान की मौत हो गई और उसके बाद एक लंबी तादाद में लोगों को गिरफ्तार किया गया। अमीर हुसैन से हम मुलाकात करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि उस दिन क्या क्या हुआ था। देखिए, उस दिन यहाँ पर जो अभी से चल रहा था, वो अमीर हुसैन के साथ में चल रहा था और वो एक संविधान बचाने वाली बात थी। सरकार ने हम लोगों के ऊपर, अकलियत के ऊपर, खासकर मैं ये बात बड़े स्पष्ट तरीके से कहना चाहूंगा, जो डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर साहब का संविधान था, इसको उन्होंने तोड़ मरोड़ करने की कोशिश की। उसकी प्रीएम्बली बात कहती है कि हम सब एक हैं और हिंदुस्तान का हर छोटा बड़ा और कौमियत वाला कोई फर्क नहीं माना जाएगा, उसको इन्होंने तोड़ने की कोशिश की। उसको जरूरत थी NRC CRA के जरिए इसको हम पे नाटक लगाने की कोशिश की, उसके लिए अमन चैन के साथ में मजारा किया जाए। यहाँ पर ना कोई टूट-फूट वाली बात थी, जो भी कुछ किया गया वो सब पुलिस ने किया गया था और पुलिस बहुत आगे आई थी और पुलिस ने ही पूरी बर्बरता की और पुलिस ने ही इसमें, खैर जो बिल्कुल दूर दूर तक लोग नहीं थे उनको इस मुकदमे में इन्वॉल्व किया और गलत तरीके से इन्वॉल्व किया। सर, जब शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा था, हिंसा कैसे हो गई? हिंसा को पब्लिक की तरफ से बिल्कुल नहीं था, इस पर मुझे कहने में कोई बुराई नहीं है कि पब्लिक की तरफ से कहीं कुछ नहीं। आप उसको देखेंगे माइनोरिटी तरीके से, वीडियोग्राफी जो है उसको देख लीजिएगा कि पत्थर किन लोगों ने बरसाया है। ये एक्शन का रिएक्शन तो थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन एक्शन उधर से तरफ से रिएक्शन 0% भी यहाँ पे हो सकता है, थोड़ा बहुत वो ऐसे एक्शन जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हम इसको समझते हैं कि सरासर जो बेचारे मरहूम हुए, जिनको अपने शहीद हुए, उनके घर वालों को ये तक नहीं पता कि हमारे घर वालों बच्चों को जो गोली लगी वो किसकी लगी, यहाँ तक। तो सर, जो नुकसान हुआ था, जैसे बसें तोड़ी गई, कुछ और तोड़ा गया, तो हमारे मुख्यमंत्री का बयान आया था कि हम उनकी संपत्ति जब्त करके इसकी भरपाई करेंगे। देखिए, सुन लीजिए, कानून की हैसियत में अगर हम आप बात करेंगे तो हम आपको बताना चाहते हैं कि CRPC में कहीं पर भी प्रोविजन ये नहीं है कि जब तक कि आप किसी मुजरिम को सजा ना हो जाए उससे पहले आप उससे किसी प्रॉपर्टी के मामले में आप डैमेज देते हैं। हर मामले में सबसे ज्यादा हो सकता है कि डैमेजेस प्रॉपर्टी एक्ट है, उसमें भी यह है कि पहले गिल्टी होल्ड कराना पड़ेगा, आपको प्रोसिक्यूशन कराना पड़ेगा। मोहन भगवत साहब आए थे मुरादाबाद में, जिस दिन वो गए उसके अगले दिन कोई और को जलाया गया है, मेरे मोबाइल में क्लिप में आपको दे सकता हूँ, बता दूंगा। संविधान को जलाया जा रहा है, आग लगाई जा रही है मुरादाबाद में, बता दू, मेरे मोबाइल में क्लिप आप ले लीजिए, उसके लिए बता दूंगा। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मुरादाबाद कहा जा रहा है, बता दूंगा, संविधान को मुरादाबाद कहा जा रहा है। ये क्या हो रहा है? जो संविधान हमारे लिए जीने का हक दे रहा है, जो संविधान हमें बराबरी का दर्जा दे रहा है, जिस संविधान का हमारे पूरी दुनिया में नाम है कि भैया डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कितनी मेहनत से संविधान लिखा गया, उस संविधान को बदलना चाह रहा है। संभल के रहने वाले हैं तो संभल में भी हालात कैसे हैं? क्योंकि यहाँ एक महीना पहले जब आंदोलन चला स्टार्ट हुआ था तो बहुत बड़ी गिरफ्तारियाँ हुई थी लोगों की और उसमें दो लोगों की जानें भी गई थी। देखिए, दो मासूम बच्चे हमारे शहीद हो गए, हमारे भाई थे, हमारे शहर के रहने वाले थे और बेकसूर थे और सब उनको इस मामले से कोई मतलब ही नहीं था, अपने काम को जा रहे थे, वहाँ इस तरह का हंगामा हुआ, गोलियाँ चली, तमाम जो है ना वहाँ पर जो है ना दो लोग शहीद हो गए। अब जब मुसलमान नमाज़ पढ़ के निकलता है जुमे की और वहाँ पहुँचता है तो वो निहत्ता होता है, उसके हाथ में न डंडा है न उसके हाथ में कोई और पत्थर है। वहाँ जब पहुँचता है तो पुलिस उनको जो है ना रोकने की कोशिश करती है कि आप आगे नहीं जाएंगे, आप यहीं रुकेंगे, आपको आगे नहीं पढ़ने दिया जाएगा, और आप उनको बेबढ़ते तरीके से उनको दबाव बनाया जाता है। वो कहते हैं कि हम लोग अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हमें उसकी इजाज़त क्यों नहीं है, हमें अपनी जगह मकाम तक पहुँचने दी जाए, लेकिन पुलिस ने जबरन वहाँ उन्हें खदेड़ने की कोशिश करी, जिस पर जो है संघर्ष शुरू हो गया। कुछ लोगों ने उसके अंदर जो ऐसे सामाजिक तत्व थे जो चाहते थे कि इनका जो है शहर के अंदर निज़ाम ख़राब हो और किसी तरीके से जाना आपस में इनके जाना हस्तक्षेप पैदा हो जाए, आपस में इख्तलाफ पैदा हो जाए, तो उन्होंने उसकी कोशिश करी और उसमें कामयाब रहे। अगर हम लोगों के दिमागों में ये होता कि हमें मारना है, पीटना है या दंगे कराने हैं तो हमारे हाथ में ज़रूर डंडे होते, हमारे हाथ में ज़रूर पिस्तौलें होती हैं, हमारे हाथ में ज़रूर हॉकियाँ होती या और असले ऐसे होते जो चीज़ नज़र आती है। लेकिन आप देख रहे होंगे TV पर भी कि पुलिस खुद गाड़ियाँ तोड़ रही है, खुद ही शीशे तोड़ रही है, घरों के अंदर खड़ी हुई खिड़की दरवाजों को तोड़ रही है, शीशे को तोड़ रही है। तो अब आप मेंटेलिटी का अंदाजा लगाइए कि ये चीज़ मेंटेलिटी कहाँ से पैदा हुई है, क्यों पैदा हुई है, कहाँ ऊपर से कहाँ से लकीर खींची गई है कि उस लकीर को दोबारा उस पर लाइन फेरी जा रही है ताकि ये गहरी होती चली जाए। तो उसमें तकरीबन 43 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है जिसमें नाबालिग बच्चे भी हैं और ऐसा भी शख्स मुझे मिला, क्यों मैं मिलाई करने गया था उन लोगों से, हमारा डेलीगेशन भी गया था पूरा, जहाँ हमने पहुँचकर वहाँ पर उन लोगों के पुरसान हाल जाना, चूँकि रात को उन्होंने 10 बजे के करीब गिरफ्तारी शुरू करी,
सड़क चलती गाड़ी जा रही है पुलिस की, और उसमें देखा एक लड़का खड़ा हुआ है और उसको पकड़ा, गाड़ी में बिठा लिया। कोई घर लौट के आ रहा है काम पे से, उसको गाड़ी में बिठा लिया। कोई अगर शादी में से लौट के आ रहा है, उसे गाड़ी में बिठा लिया। कोई घर के लिए तवा लेने गया है, पत्ता खरीद लेने गया है और कुछ खरीदने गया है, उसे गाड़ी में बिठा लिया। तो वो जिस हालत में भी था उसे गाड़ी में बिठा के ले गए, और हाथ का चलान करके उसे यहाँ से तकरीबन 120 किलोमीटर जो बरेली पड़ता है ज़िला, वहाँ पर उन्हें डाल दिया गया है। हमने उनको बेचारा जानवान हम जाके जाना उनके हालात, तो उनके पास स्वेटर भी नहीं थे बेचारों के पास, ठंड में ठिठुर रहे थे वो लोग, उनको जाके जो मुहैया करा सकते कराया। कुछ लोग ऐसे भी नज़र आए जो वहाँ पर उस हमारे शहर के भी नहीं हैं और उसके अंदर बंद पड़े हुए हैं, वो सिर्फ कह रहे हैं हम तो कारोबारी सिलसिले से आए थे, हमें पकड़ लिया और बिठा दिया उसके अंदर, हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो ये हुआ है, FIR दर्ज कराई गई जिसके अंदर मेरा नाम भी मुलव्वज़ कर दिया गया है, जबकि पूरे दिन मैं DM साहब ने मुझसे और कप्तान साहब ने और IG साहब ने मुझसे कि मेरी मुस्तकिल सुहेल भाई इसको काम ख़त्म कराइए, आप जो चल रहा है सारा प्रोटेस्ट ख़त्म कराइए, हम साथ में लग के काम करते रहे। और उसमें हमने पूरी मदद करके शहर को शांत करा, पूरी दोबारा से हमने शांति व्यवस्था को कायम कराया। मेरे 3-7 के अंदर नाम लिखवा दिया गया। तो जो पुलिसिंग का इतना बड़ा जाना उसके अंदर वो चल रहा है, तो समझ लीजिए आप कि जितने जिम्मेदार लोगों को अगर बना दिया जाएगा 3-7 का मुस्लिम, तो समझ लीजिए पुलिसिंग किस लेवल पर हो रही है। कि वो शख्स जो मुस्तकिल पुलिस के साथ काम कर रहा है, IG और क्या कहते हैं DM और कप्तान जो मुस्तकिल हम लोगों से काम ले रहे हैं और दिन भर ये कह रहे हैं कि इनका कफन दफन करा दीजिए सुहेल भाई, किसी तरीके से ख़त्म कराइए मसले को, हम चाहते हैं शहर नॉर्मल हो जाए और किसी तरीके से हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं, आप इसको ख़त्म कराइए सुहेल भाई, साथ में रहिए। हम सुबह शाम लग के लोगों से परिवार से बात कर रहे हैं जाके, लोगों क्योंकि परिवार वालों ने कह दिया हम एहतजाज करेंगे क्योंकि उनका मारा गया था, लेकिन हमने किसी तरह शांत करके मैंने कहा नहीं इस चीज़ को ख़त्म करना है। उन्होंने हमें बात रखी और हमने दफन कराया, रात के 2 बजे तक हमने दफन करा के 3 बजे हमने लोगों से कहा कि आप शांति से जाकर सो जाइए, शहर शांत है। अगले दिन सुबह को जब मैं उठता हूँ 8 बजे मैंने देखा अखबार पढ़ के तो मेरा नाम सबसे ऊपर लिखा हुआ था कि आप 3-7 के मुस्लिम हैं। तो ये पुलिसिंग है, उन्होंने सिर्फ नाम लिख दिया, उन्हें नहीं मालूम ये नाम किसका है, ये नाम कौन है। बाद में मुझसे कह रहा है ये गलती से नाम लिख किया गया है, जिसके अंदर जितने भी नाम लिखे गए हैं सब के सब झूठे हैं। पुलिसिंग नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ खानापूरी हो रही है। जब नाम ऊपर तो एक महीने के दिन गुजर गए, छोड़ा क्यों नहीं जा रहा फिर? देखिए हमने जो लोग वहाँ पर जेलों में हैं उनके लिए हमने वकीलों से बात करी है, हमने अधिकारियों से बात भी करी है और हम पूरी पैरवी कर रहे हैं। और हमारे वकील साहिबान ने सबने ये भी कहा है कि हम इस केस के अंदर जितने भी लोग मुलव्वज़ हैं हम उनसे किसी भी तरीके से जो हमारी फ़ीस होती है उसको हम चार्ज नहीं करेंगे। हम ये संविधान को जो हानि पहुँचाई जा रही है, जो हिंदुस्तान को हानि पहुँचाई जा रही है, इनके उस तुफैल में हम लोग बगैर पैसे लिए इन परिवार वालों को मदद करेंगे। और उसमें हमारे 7 लोगों की बेल हो भी चुकी है और उम्मीद है ऊपर वाला और लोगों की भी जल्द ही बेल कराएगा। आसाम के अंदर जो 19 लाख लोगों को NRC में फंसा गया है, क्या उनके वोट से मोदी जी MPM नहीं बने हुए हैं? क्या मोदी जी इस बात को इनकार कर रहे हैं कि उनके पास वोट नहीं था, उन्होंने वोट नहीं दिया है मुझे? मैं ये पूछना चाहता हूं मोदी जी से खुले शब्दों में। जी कह रहे हैं कि NRC और CA से किसी मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं है, उनकी नागरिकता नहीं जाएगी। अगर नागरिकता नहीं जाएगी तो वो आप कुछ दिन पहले उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था कि ये NRC UP में भी लागू होगा, तो इस बात के लिए वो क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि NRC की वजह से है हमारी नागरिकता छिनेगी, क्योंकि जो एक्ट पास किया है CA एक्ट जो पास किया हुआ है उसको पास करने में उन्होंने जो किया है, जितने भी अफगानिस्तान या बांग्लादेश से या पाकिस्तान से जो लोग आए हैं, पीड़ित लोग आए हैं जैसा कि वो कह रहे हैं, तो उनको नागरिकता दी जाएगी, मगर उसमें उन्होंने रिलीजन बेस पर नागरिकता संशोधन अमेंडमेंट जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल में उन्होंने क्या किया है, मुसलमानों को एक्सक्लूड कर दिया है। तो उसमें क्या जो इंडियन मुस्लिम्स हैं तो क्या वो नागरिक नहीं है? उनको नागरिकता कैसे देंगे वो? CA के अगेंस्ट CA में तो उन्होंने क्रिश्चियंस को, जैन्स को, बुद्ध को और सिख्स को ला दिया है कि हम इनको नागरिकता देंगे। जो मुस्लिम्स हैं क्या वो नागरिक नहीं है? इंडियन नागरिक नहीं है, उनको नागरिकता योगी जी देंगे? तो हम योगी जी के साथ हैं, अगर योगी जी मुसलमान को इसमें इंक्लूड कराते हैं तो इसमें अमेंडमेंट होता है। आप योगी जी की बात कर रहे हैं, योगी जी अभी बयान दिए कि जो प्रोटेस्ट करेगा ऐसी सजा देंगे कि 7 नस्लें याद करेंगी। हाँ, योगी जी जो है संविधान के अगेंस्ट में उन्होंने बात की है, हर नागरिक को बात करने का हक है संविधान में, हर नागरिक को ये आवाज़ उठाने का अपने हक के लिए आवाज़ उठाने के लिए हक दिया गया है। योगी जी ने ये स्टेटमेंट दिया है संविधान के अगेंस्ट में स्टेटमेंट दिया है, और 144 जो लगा रखी है वो लोगों की आवाज़ दबाने को लगा रखी है बिल्कुल। लेकिन वही जब उनके भाजपा के किसी मंत्री की रैली होती है वहाँ धारा 144 नहीं लागू होती, लेकिन जब कोई जनता आम जनता प्रोटेस्ट करती है वहाँ धारा 144 लगा देते हैं।
जो धारा 144 जो लगाई जा रही है, वही तो मैं कह रहा हूँ, धारा 144 लगाई जाती है ताकि लोगों की आवाज़ों को दबाया जा सके। लेकिन जब भाजपा की रैली होती है तो वहाँ क्यों नहीं लगाई जाती? तो वो उनकी अपनी पार्टी है, इसलिए 144 वहाँ नहीं लगाते, भेदभाव कर रहे हैं वो। यहाँ पर लोगों में भेदभाव कर दिया गया, रिलीजन के बेस पर वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं और संविधान को साथ लेकर नहीं चलना चाहते, वो संविधान के बिल्कुल अगेंस्ट में है। योगी जी भी अगेंस्ट में है, मोदी जी भी अगेंस्ट में है संविधान के, और अमित शाह जी भी अगेंस्ट में है। जिन लोगों के, जिन नागरिकों के वोटों से वो आज इन मिनिस्ट्रीज में और ऊंचे ऊंचे पद पर आए हैं, उन्हीं नागरिक को वो दोबारा नागरिकता देना चाहते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, जो इन्होंने अमेंडमेंट में किया है कि साहब हिंदू को, जेंट्स को और उनको भी ये नागरिकता देंगे, बट नागरिकता देने के लिए तो लाइन में लगेंगे वो, उनको गुमराह किया जा रहा है, हिंदू भाइयों को भी गुमराह किया जा रहा है। ये नागरिकता संशोधन बिल जो है वो उनके भी अगेंस्ट में है, मुसलमानों की अगेंस्ट में नहीं है। ये जो 19 लाख लोग जो वहाँ आसाम के अंदर आए हुए हैं, उसमें से 10 से 12 लाख लोग हिंदू भी हैं, क्या हम उनको सिटीजनशिप देंगे? तो क्या उसका प्रोसीजर रहेगा इनका? क्या उनको 12 लाख लोगों को और भी बाकी इंडिया में NRC या NPR के थ्रू ये जो रजिस्टर मेंटेन करना चाहते हैं सिटीजन का, तो उसमें ये कह रहा हूँ कि मैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हुए, जिनके पास रजिस्टर नहीं हुआ, तो उनको जो है किस तरह से वो नागरिकता देंगे? जैसे आसाम के अंदर अभी छोटी सी स्टेट है आसाम, यूपी में तो 20 करोड़ के CA के जरिए हिंदुओं को तो मिल जाएगी। नहीं तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि हिंदुओं को देंगे, साबित तो उन्हें भी करनी, उनको भी साबित करना पड़ेगा। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो इंडिया में 19 लाख लोग जो आसाम में निकले हैं, जो NRC में फंसे हुए हैं, उनके पास इंडिया के दस्तावेज नहीं है, ठीक है? दैट मीन्स कि वो वहाँ से आए हुए हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। अब उनके पास वो डॉक्यूमेंट दिखाना होगा उन्हें कि हम बांग्लादेश से आए हुए हैं, ठीक है? हम चाहे वो हिंदू चाहे मुसलमान, मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, जो 12 लाख लोग हैं जो ये कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आए, तो वो पासपोर्ट लेकर आएंगे पाकिस्तान से जब इंडिया में रह रहे हैं 20 साल से 50 साल से? वो जिनका पासपोर्ट इंडिया का है तो वो अफगानिस्तान का, पाकिस्तान का पासपोर्ट ही दिखा के तो कहेंगे हाँ मैं इंडिया, मैं पाकिस्तान से आया हूँ, मुझे सिटीजनशिप दीजिए, तो वो डॉक्यूमेंट वहाँ से कैसे लेकर आएंगे? क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट, बांग्लादेश की गवर्नमेंट उनको वो डॉक्यूमेंट देगी? तभी तो वो इन तीन मुल्क से आए, नहीं तो उनको तो कहीं का भी मान लिया जाएगा। बॉर्डरिंग कंट्रीज़ तो और भी हैं, श्रीलंका भी है, भूटान भी है, और भी सारी कंट्रीज़ हैं, कैसे करेंगे? आपने भूटान को इंक्लूड क्यों नहीं किया, और मंगोलिया को क्यों नहीं किया, चाइना को इंक्लूड क्यों नहीं किया? गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि दुनिया के जितने भी बॉर्डरिंग कंट्रीज से हिंदू आ रहे हैं, क्या आप इंडिया में घुसा लेंगे? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान से अगर आपको आ रहा है, बांग्लादेश से आपको लगता है आ रहे हैं, तो यहाँ जो है धर्म का तो मसला नहीं है, ये सेकुलर कंट्री है, यहाँ पर सभी तरह के धर्म के लोग रहते हैं। जब आप हिंदूज को बुला रहे हैं, सिख्स को बुला रहे हैं, तो मुसलमान को ही बुलाइए आप, नहीं तो किसी को भी मत बुलाइए, हम साथ हैं आपके। तो नागरिकता दी जाएगी, जो अमेंडमेंट बिल में लिखा हुआ है कि जो लोग अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से और बांग्लादेश से इंडिया में, तो सिर्फ यही दिखाना होगा कि हम पाकिस्तान से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं प्रूव करना होगा कि हम मुसलमान हैं, हिंदू हैं। उनको दिखाना पड़ेगा ना कि साहब मैं जो हूँ पाकिस्तान का हूँ, मगर मेरा ये डॉक्यूमेंट है, मेरा नाम राम है, रहीम है, तो वो दिखाया जाएगा। रहीम हो सकता है इसके जरिए से आतंकवाद भी घुसाए हिंदुस्तान में, बहुत सारे घुसेंगे, हमेशा घुसेंगे। पाकिस्तान नकली डॉक्यूमेंट्स बनाकर भी दे सकता है, अफगानिस्तान बनाकर दे सकता है, हिंदू मुसलमानों को हिंदुओं के नाम लिखकर पासपोर्ट बनाकर इशू कर सकता है, उनकी कंट्री है, फिर क्या उनको भी, आतंकवादियों को भी घुसाया जाएगा? इससे तो हिंदुस्तान को ही खतरा होगा। बिल्कुल खतरा है, हिंदुस्तान की सॉवरेंटी पे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। दो शब्द चले, शरणार्थी और घुसपैठिए, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। घुसपैठिए मतलब उन्होंने कहा हम घुसपैठियों को हिंदुस्तान से बाहर निकालेंगे, तो सीधा सीधा जो पॉइंट कर रहे हैं वो हमारी इंडियन आर्मी को कर रहे हैं, मतलब उनका कहना है हमारी इंडियन आर्मी सतर्क नहीं है, उनकी कमजोरी की वजह से घुसपैठिए इंडिया के अंदर आया, अब उन्हें निकालना है, वो सीधा सीधा ये तो कह रहे हैं। शरणार्थी का मतलब ये है कि जो लोग धर्म के आधार पर, जिन्हें टॉर्चर किया गया वहाँ पे, तो आप कैसे प्रूव करेंगे कि ये टॉर्चर किए गए हैं या ये ज़बरदस्ती घुसाए और घुस के आए, तो आर्मी पे सीधा सीधा मेरा तो एक ही सवाल है। वो तो कह रहे हैं कि जब देश आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान में हिंदुओं की एक बड़ी तादाद थी, ठीक है, तो आज वो 0% उनकी वहाँ हो गई। वो गलत आपका सर्वे जो है ना इनका, वो जो मतलब एक कहावत बोला है किसी ने कि मोदी जी जब बोल के जाती है ना एक झूठ, उसकी जब सच्चाई निकल के आती है ना, तब तक पूरी दुनिया में वो झूठ फैल चुका होता है और 70% लोग उस चीज़ पर यकीन कर लेते हैं। ये बिल्कुल झूठ चीज़ है कि पाकिस्तान में पहले हिंदू आबादी ज़्यादा थी, अब कम रह गई, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक झूठ फैलाया जा रहा है, अफवाह फैलाई जा रही है, कुछ भी नहीं है इसमें सच्चाई। आज जो लोग घर से नहीं निकल रहे हैं इस कानून के अगेंस्ट में, ये काले कानून के अगेंस्ट में, वो कल
इस बात को देखेंगे कि वो इस मुल्क से भी निकलेंगे अगर वो आज। एक आखिरी सवाल आपके इलाके से, जब 20 दिसंबर को प्रोटेस्ट चल रहा था, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट निकला, उसमें लाठियां चलाई गई, गोलियां चलाई गई और उसके बाद एक बड़ी तादाद लोगों को गिरफ्तारियां भी हुई, इसमें क्या हुआ है? इसमें जो है जो 19 तारीख में और 20 तारीख में जो जुलूस निकला, 20 तारीख में जिसमें दो लोगों शहीद हुए, उसमें बिलाल मरहूम की, शहीद बिलाल, उनके घर वालों ने पहली तहरीर दी है कि पुलिस की गोली से हमारा बेटा मारा गया, ठीक है, बट FIR मैंने देखी है जिसमें 302 का तो मुकदमा, 304 का मुकदमा लगाया गया है, 302 अभी नहीं उसमें रजिस्टर्ड हुई है, और उसमें भीड़ के खिलाफ वो दिखा दिया गया है। ये पुलिस ने भी जो लोगों के साथ गलत किया है, और जो है योगी जी जो हैं बहुत सख्त कर रखे हैं पुलिस को कि लोगों को मार दीजिए, यहाँ जो रह रहे हुए हैं, जिन लोगों को मार रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मोदी जी को वो लग रहा है कि पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं, और मोदी जी को धर्म के नाम पर वो नफरत जो उनके दिल में बैठी हुई है मुसलमानों से, उसका वो नफरत का अपना बदला निकाल रहे हैं मुसलमानों से। और क्या कहते हैं, योगी जी आज कुछ जब पार्लियामेंट में भी रो चुके हैं, पहले भी उन पर भी लाठीचार्ज हुआ है, तो उनको इस बात का दर्द होना चाहिए कि लाठीचार्ज में कितनी तकलीफ होती है, और गोलीबाजी में जो पुलिस लोगों के ऊपर कर रही है, इनोसेंट लोगों के ऊपर, अगर प्रोटेस्ट कोई कर रहा है, इंडियन कानून है, फिर आप संविधान में से हटा दीजिए राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप ये आर्टिकल हटा दीजिए, बोलने का अधिकार नहीं है, आप संविधान को बदल दीजिए। जब आपने हाँ, लेकिन जब हम उनके घर गए थे तो उन्होंने बताया कि जो गोली लगी थी वो ये नहीं बताया गया कि पुलिस से गोली लगी है या किसी और, किसी ने दुश्मनी निकाली है, तहरीर है, वो पुलिस की गोली है। जो मैं मरहूम बिलाल के फादर के जो जो पहली तहरीर दी है, मुझे नहीं मालूम कि बाद में उसकी तहरीर बदल दी गई, पुलिस ने क्या किया या उसके घर वालों ने क्या किया। मैं एज ए एडवोकेट उनके घर गया हुआ था, तो मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने मुझे तहरीर दी कि बोले ये हमारी तहरीर है, ये पुलिस ने 20 तारीख में हमारी तहरीर को रजिस्टर्ड कर, उसको रिसीविंग कर रखी है, और उसमें उस तहरीर में साफ साफ लिखा हुआ है कि पुलिस की गोली से हमारा बेटा मारा गया, क्योंकि वो मुरादाबाद जा रहा था अपनी गाड़ी की किस्त जमा करने, ठीक है, कार की, उसकी इंश्योरेंस कार ले रखी थी फाइनेंस पे, उनके पास रिसिट भी है। तो उसके बाद पुलिस ने क्या किया है, कुछ दिन तक इस बात को कि माहौल ठंडा करना है और शहर का हालात ख़राब है, हमारे जो बड़े लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उनसे बातचीत की है, बार्गेनिंग की, मुझे नहीं मालूम क्या रहा उसके पीछे, उसके पीछे क्या हुआ है वो मुझे मालूम नहीं, किस नेता ने या किस बड़े जिम्मेदार ने, किस उलेमा ने उनसे सौदेबाजी की, सौदेबाजी तो हुई, ठीक है, तभी तो सबको मालूम है, वहाँ 1,000-10,000 से ज़्यादा लोग थे, सब ने देखा है कि पुलिस सामने से गोली चला रही है, और उसमें से कम 10 से 100 लोग ये हैं जो अपने एफिडेविट देना चाहते हैं कि हमने देखा है पुलिस को गोली मारी, विजुअल्स हैं, क्यों नहीं हुई रजिस्टर्ड, क्यों भीड़ के खिलाफ FIR रजिस्टर्ड कर दी गई। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ योगी जी, क्या अब FIR भी हमारी रजिस्टर्ड नहीं होगी इस मुल्क में? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जब इलेक्शन आता है तो मोदी जी, योगी जी, हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान ये करते हैं, इलेक्शन जीत जाते हैं तो वो वोटों से तो जीते हैं, पब्लिक के जीते हैं नहीं, तो ये NRC वगैरह ये सब कुछ छोड़ के महंगाई पे ध्यान देना चाहिए। महंगाई आसमान छू रही है भाई साहब, डीजल महंगा, हर चीज़ महंगी, सब्जी महंगी, राशन महंगा, गरीब आदमी का दिवाला निकल चुका भाई साहब। जो लोग शेड्यूल ट्राइब्स हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं, ऐसे एरियो में रहते हैं जहाँ पर बाढ़ आती है, जहाँ उनके घर बार तबाह हो जाते हैं, अपनी जान बचाना मुश्किल होता है, उनके डॉक्यूमेंट्स के नाम पे कुछ नहीं होता, वो लोग क्या देंगे आपको, वो अपना प्रूफ क्या दिखाएंगे? आपको याद होगा नोटबंदी के वक्त पे इन्होंने क्या कहा था, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, पूरा देश लाइनों में लग गया था, जबकि सिर्फ पैसा जमा करने की बात थी, यहाँ तो डॉक्यूमेंट बनवाने की बात है जनाब, आप अपना जन्म पत्री बनवाने जाएं उसके लिए कितनी बड़ी परेशानी होती है। आज जब सारे डॉक्यूमेंट्स, पूरा देश लाइनों में लगेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो ये सोच रहे हैं कि हिंदुओं को इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, वो तो बात की बात है कि CA के जरिए नागरिकता मिलेगी, उससे पहले क्या होगा, उससे पहले सारे डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे। और दूसरी चीज़, सबसे मेन चीज़ क्या है, मान लीजिए हिंदुओं के बहुत से नॉन मुस्लिम्स हैं, वो इस डॉक्यूमेंट्स को नहीं दिखा पाए, तो इससे पहले तो ये साबित हो गया वो इंडियंस नहीं है, फिर उनको ये साबित करना पड़ेगा कि हम पाकिस्तानी हैं, अफगानी हैं, तो, या बांग्लादेशी हैं, तो क्या उसके बाद उनसे सारे राइट्स छीन लिए जाएंगे, वोट के अधिकार, जमीन के अधिकार? भाई जाहिर सी बात है, अभी ये भले कुछ भी कहते रहें, जब वो नागरिक ही नहीं है तो उनकी प्रॉपर्टी कैसे हो गई,
उन्होंने जो कुछ यहाँ कमाया उनका कैसा हो गया, उसके बाद में ये उन्हें कि सिर्फ नागरिकता दी जाएगी, आप हिंदुस्तान में रहो, बाकी सारे राइट छीन लिए जाएंगे। ये एहसान किया जाएगा कि बोले अब हम आपको एफिडेविट के जरिए नागरिकता दे रहे हैं, दूसरा कोई सवाल मत करना। सिख भाई, दलित भाई हमारे आज लोग जो साथ खड़े हैं, किस वजह से खड़े हैं, उनको पता है कि आगे को क्या होने वाला है। संविधान का जब भी वायलेशन होगा तो परेशानी पूरे देश पर आएगी। ये एक कौम का, एक धर्म का मामला नहीं है, ये सारे धर्मों का मामला है। और जो इस चीज़ को समझ रहे हैं वो जुड़ रहे हैं और ये इस चीज़ को बांटने की कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह से। और अब योगी जी कह रहे हैं लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो रहे हैं, कामयाब नहीं हो रहा। आप देखिए जिस जगह देख लीजिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर, एक एक जगह, एक एक शहर के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक ही स्टेज पर आज नमाज हो रही है, उसी जगह पर हवन भी हो रहा है, उसी जगह पर कीर्तन भी हो रहा है। तो ये जो खूबसूरती जंग आज़ादी के वक्त पे थी 1947 के बाद में, आज ये वक्त आया है कि जहाँ पे ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ है, यहाँ पे कोई मुस्लिम का मामला नहीं है, हर धर्म का मामला है। थैंक यू। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मजामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।